दरभंगा में आज से विश्व प्रसिद्ध माँ श्यामा माई मंदिर में 9 दिनों तक दिन रात 24 घंटे लगातार चलने वाला श्यामा नाम धुन की शुरुआत आज भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हो गई है, जिसके बाद से ही माँ श्यामा धुन से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। वहीं शाम होते ही शहर के सभी सड़क श्यामा मंदिर की ओर मुड़ने लगी। इधर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला मंदिर परिसर में जारी है। आपको बताते चले कि यहाँ दरभंगा के अलावा पड़ोसी जिले के 7 पड़ोसी देश नेपाल से भी भक्त माँ श्यामा के दर्शन में पहुँच रहे हैं। जगह का जो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्व तो है वो भी बढ़ता है। सर एक बात सर यहाँ के प्रबंधक हैं, उनका कहना है कि जो मुख्य गेट है सर, वहाँ पर भक्तों को आने में परेशानी होती है और इतने सारे वहाँ दुकानदार हैं, भक्तों को अधिक परेशान करते हैं। जो मेन गेट है वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। इस संबंध में सर क्या है प्रशासन का कुछ कैसी व्यवस्था है? मैं प्रबंधक और यहाँ पे जो समिति है प्रबंधकारिणी समिति, उनसे विमर्श करके इसका समाधान निकालने का प्रयास करूँगा कि जो दुकानदार हैं उनको एक प्रॉपर स्पेस दिया जाए और भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उनको कोई प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। क्योंकि जो आस्था है, जो भक्त यहाँ पे हैं, उससे कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ, दुकानदारों का जो है व्यापार उसी से बढ़ता है। इस सबको देख करके हम लोग समाधान निकाल। सर, चौरंगी का गेट बंद रहती है जिसमें भक्तों को आने जाने में कठिनाई होती है, उसको खुलवाने का कोई उपाय है सर? हम लोग डिस्कस करके देखते हैं कि कैसे हमारा ये सिस्टम ठीक है। नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आज से 9 दिनों तक हवाई गति जो 1988 से चल रहा है आज प्रारंभ हो रहा है। आज से पूरे मिथिला के कणकण में श्यामा माई का धुन और मंत्र प्रारंभ होगा। यह सामान्य धुन नहीं है, यह मिथिला के लोगों के मनोरथ पूर्ण होने का मंत्र है। यह पूरे मिथिला स्वस्थ और स्वच्छ रहने का मंत्र है और यह मंत्र 9 दिन तक इस नवा के समय में जो जो इस धुन में रंग जाता है श्यामा माई का आशीर्वाद उसको जरूर मिलता है, उसकी मनोरथ सिद्धि जरूर होती है। मैं तो बचपन से ही इस प्रांगण में आता रहा हूं और धीरे धीरे इस प्रांगण का विकास और धीरे धीरे यहाँ पूरे देश के श्रद्धा का केंद्र यह होता गया और श्रद्धालु उससे जुड़ते गए और आज लाखों की संख्या में जो मिथिला में ही नहीं देश के अन्य कोने से भी श्रद्धालु आते हैं, माता के चरणों में शीश नवाते हैं
और माँ श्यामा उनके मनोरथ पूर्ण करती है, ऐसा पूरे देश के लोग यहाँ आकर ऐसा करते हैं। धरती पर दरभंगा जिला में माँ श्यामा माई काली मंदिर परिसर में 12 नवंबर से 21 नवंबर तक जय श्यामा माई श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा माई नाम का धुन अभी से प्रारंभ हो चुकी है। सुबह 8 बजे से कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी जो पूरे बाजार में प्रभात फेरी कर करके माँ श्यामा मंदिर में 10:30 बजे पहुंची और उसके बाद नवा यज्ञ का प्रारंभ किया गया, हवन का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी नगर विधायक एवं सभी मीडिया बंधु उपस्थित थे और जितने भी भक्तगण आए हुए श्रद्धालु भक्त मंदिर परिसर में, और आज से ये भक्तिमय वातावरण पूरे मिथिलांचल में हुआ है जो कि इसका गुंज हमारे जितने भी मीडिया कर्मी बंधु हैं उनके द्वारा पूरे देश में जाएगी। ये मिथिलांचल की गौरव काली मंदिर परिसर में जो नवायक हो रही है। मैं भगवान लाल ठाकुर समाज सेवी छठी पोखर मैं काली मंदिर प्रांगण से बोल रहा हूँ। मैं आए हुए सभी दरभंगा जिला से श्रद्धालु जो कलश शोभा यात्रा में भाग लिए थे और नवायक में भाग लिए हैं सभी को मैं तय दिल से और पूजा समिति की ओर से न्याय समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।